फनी जोकिंग टाइम। जहां भी आप लोगों को हंसी आई वहीं पर वीडियो लाइक करना ना भूलें, शुक्रिया। एक पाकिस्तानी की शादी नहीं हो रही थी, सोचा चलो हज कर लो। सख्त गर्मी की वजह से मैदान अरफात में बेहोश हो गया तो उसको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में जब होश आ गया तो समझा कि मैं जन्नत में आ गया हूँ। तो उसने कहा, वाह मौला वाह, मैं तो जन्नत अलनईम में आ गया हूँ। इतने में उसने एक बहुत ही खूबसूरत नरस को देखी तो समझा कि ये हूर है। इतने में चार खूबसूरत खूबसूरत नरस और आ गई तो उसने कहा, सुभान अल्लाह, ये तो बड़े अनखम वाली हूर है। पाकिस्तान का शदीद कुंवारा बोला, कोई बात नहीं, आराम आराम से एक एक करके आओ। मियां बीवी आर्ट गैलरी में गए। वहां शौहर ने एक पेंटिंग देखी जिसमें लड़की के जिस्म पर सिर्फ दरख्त के पत्ते थे। शौहर खड़ा इसे गौर से देखने लगा। पास खड़ी बीवी जलकर बोली, अब आगे चले या आंधी आने का इंतजार करोगे? शौहर, मैंने दोस्त को आज खाने पर बुलाया है। बीवी, तुम पागल तो नहीं हो गए? पूरे घर में गनत पड़ा है, बर्तन भी धोने वाले हैं और मैं अब कुछ पका भी नहीं सकती। शौहर, ये सब दिखाने के लिए ही तो बल्ला रहा हूँ, क्योंकि वो बेवकूफ शादी करने का सोच रहा है। हमारे यहाँ मौसम का ये हाल है कि कपड़ा धोते ही सूख जाते हैं और पहनते ही भीग जाते हैं। उफ ये करमी। शौहर और बीवी चोरी पर बहस कर रहे थे। शौहर जो चोरी करता है वो बाद में पछताता है। बीवी रोमांटिक मूड में बोली, और जो आपने मेरी नींदी चराई, मेरा दिल चराया, उसके बारे में क्या ख्याल है? शौहर बोला, बकवास कर तू रहा हूँ, वो बाद में पछताता है। क्या आप लोगों ने एक बात नोट की है कि कुर्बानी में बस कुछ टाइम रह गया है, ये कह कह के घर वाले दाल पे दाल खिलाई जा रहे हैं। दोस्तो, 1947 में दो मुल्क वजूद में आए थे, एक चल गया आसमान पर, दूसरा चल गया आवाम पर। एक अरबी बाथरूम में फोन पर बात कर रहा था। पख्तून ने सुना तो अरबी को बहुत गोटा। लोगों ने गोटने की वजह पूछी तो कहने लगा, ये पागल बाथरूम में तिलावत कर रहा था। शौहर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। बीवी, कितनी? शौहर, इतनी कि अगर आप बेड पर बैठे तो मैं सोफे पर बैठूंगा। बीवी, अगर मैं सोफे पर बैठ गई तो? शौहर, तो मैं फर्श पर बैठ जाऊंगा। बीवी, और अगर मैं फर्श पर बैठ गई तो? शौहर, तो मैं एक गड्ढा खोदकर इसमें बैठ जाऊंगा। बीवी, अच्छा अगर मैं गड्ढे में बैठ गई तो? शौहर, तो मैं इस गड्ढे में मिट्टी डाल दूंगा, क्योंकि आपको इज्जत रास नहीं आ रही है। दीदार तक मैसर नहीं है इसका, और हम इस सीट पर टांगी उठाने की हसरत दिल में लिए बैठे हैं। टीचर कंजूस कसे कहते हैं, पप्पू जो 100 मैसेज भेजने पर भी रिप्लाई ना करे। टीचर, शाबाश, अब इसकी अच्छी सी मिसाल दो। पियो, जैसे कि आपकी बेटी। सरदार, जब मेरी नौवीं शादी हुई सी तो मुझे तेरी भाभी यानी चंगी लगती सी, कह मेरा दिल करदा सी के अहन खा जावा दोस्त, और अब सरदार खा ही जानदा ते चंगा सी। आपने अक्सर दीवारों पर महबूब आपके कदमों के इश्तिहार देखे होंगे, मगर कहीं बेगम आपके कदमों का इश्तिहार देखा नहीं ना? केवल बाबा खुद शादीशुदा होता है और वो जानता है कि ये काम उसका बाप भी नहीं कर सकता। हाँ जी। सरदार एक म्यूजियम में गया, वहाँ इससे एक कप टूट गया। अफसर, तुमने 5000 साल पुराना कप तोड़ दिया है। सरदार, पागल, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मैं समझा कोई नया था। जब बुजुर्ग अपनी बात को अच्छे से साबित नहीं कर पाते तब यही कहते हैं, इतनी तेरी उम्र नहीं जितना मेरा तजुर्बा।